नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। दोस्तों, वायु प्रदूषण जिस तेजी से हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। लगातार जहरीली हो रही हवा से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। गले में खराश की प्रॉब्लम से आजकल हर कोई जूझ रहा है। वायु प्रदूषण में बच्चों को भी खांसी और सांस लेने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बच्चे जब खराब हो रही हवा में सांस ले रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। अब सवाल है कि बच्चों को इस जहरीली हो चुकी हवा से कैसे बचाएं? प्रदूषण ज्यादा है तो बच्चों को घर के अंदर ही रखें और घर पर एयर प्यूरिफायर डिवाइस लगवा सकते हैं। बच्चों को घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाने के लिए कहें और उनकी डाइट पर भी ध्यान दें। बच्चों को हरी सब्जियां और फल खिलाएं और दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिलाएं। दोस्तों, इस समय प्रदूषण बहुत ही खराब स्तर पर आ चुका है, इसलिए बच्चों को बिना मास्क के खुले में भेजना उन्हें बीमार करना है। बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें मास्क पहनाना, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना मास्क के ऑक्सीजन के साथ हवा में मौजूद जहरीले कण सांस के द्वारा अंदर आ जाते हैं, जो कि बीमारी का कारण बनते हैं। मौसम बदलाव और वायु प्रदूषण में अपनी डाइट को बेहतर करना बहुत जरूरी है। इस समय बच्चों की डाइट में खाने पीने में हरी सब्जियां और फल को ज्यादा शामिल करें। साथ ही बाहर का खाना खाने से इस वक्त पूरी तरह से बचें। हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति होती है, इसलिए जरूरी है कि इस वक्त डाइट अच्छी लें और साथ ही पानी भी ज्यादा पिएं। इस समय प्रदूषण का स्तर गंभीर है, वो घरों के अंदर तक आ गया है, जिससे बच्चे घर के अंदर भी सेफ नहीं है और बीमार हो रहे हैं। इसलिए घर के खिड़की और दरवाजों को जरूरत पड़ने पर ही खोलें। घर के अंदर आपको जिस जगह धूल मिट्टी दिखाई दे रही है उसे गीले कपड़े से साफ कर दें। घर के पर्दे भी साफ कर दें, क्योंकि हवा के साथ धूल आकर पर्दे पर जमा हो जाती है, जिसे हटाना भी जरूरी है। ये धूल मिट्टी भी बच्चों को बीमार कर सकती है। दोस्तों, वायु प्रदूषण से हमें बच्चों को बचाना है तो हमें उनके खान पान को सही रखना होगा। जरूरी होने पर बच्चे जब बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, साथ ही घर के अंदर भी एयर प्यूरिफायर लगवाएं, घर को अच्छे से साफ रखें और बच्चों को गुनगुना पानी पिलाते रहें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।